लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। परमेश्वराय नमो नमः। कहाँ चले गए थे स्वामी? उमा के पास। उमा? उमा तो मैं ही हूँ। मेरे पास तो आप अब आए हैं। उस विधवा ब्राह्मणी का नाम भी उमा ही है। वो दो दो बालकों को स्नेहपूर्वक पाल रही है, तो मैं उसकी सहायता करनी चाहिए। नारायण नारायण, माता पार्वती सहायता तो करेंगी ही, परंतु उन दोनों बालकों के भविष्य का क्या होगा भगवान? नारद, पता नहीं अज्ञानवश अथवा ज्ञान पूर्वक अज्ञान की तुम कभी कभी ऐसी बातें करने लगते हो कि हमें भ्रम होने लगता है कि कहीं तुम्हें मति भ्रम तो नहीं हो गया है। क्या अपराध हो गया प्रभु मुझसे? अज्ञान और बुद्धिहीनता से अपराध ही जन्म लेते हैं। अभी अभी तुमने कहा कि उन बालकों की सहायता पार्वती करेंगी, और अगले ही क्षण प्रश्न करते हो कि उन बालकों का भविष्य क्या होगा जिसकी सहायता पार्वती करेंगी। उन बालकों का भविष्य क्या होगा ये तुम्हें नहीं ज्ञात? नारायण नारायण, अपने ही शब्द जाल में फंस गया मैं तो। सदा दूसरों को भी तो फंसाते रहते हो। वैसे इतना समझ लो नारद कि उन दोनों बालकों को सदा ही हम दोनों की कृपा प्राप्त होती रहेगी। वे दोनों सारी बाधाएं पार करते हुए जीवन में वांछित फल प्राप्त करेंगे। इतना ही नहीं, उनकी माता उमा भी दोनों के उत्कर्ष से सुख और संतोष प्राप्त करेगी। इतना तो पर्याप्त हो गया भगवान, आप दोनों धन्य हैं। आयुष्मान भव। मेरे पुत्र को आशीर्वाद दे ऋषिवर। ये पुत्र तुम्हारा तो नहीं है उमा देवी, किंतु मातृवत मैंने ही इसका पालन पोषण किया है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि सत्य रथ के इस पुत्र पर शिव कृपा हुई है। इसी कारण भगवान शिव ने वृषवर अवतार धारण कर इसकी रक्षा करते हुए इसके लालन पालन का कार्य तुम्हें सौंपा है। तुम तीनों को दर्शन देकर तुम्हारा भविष्य निश्चित किया है। आप तो त्रिकालदर्शी हैं ऋषिवर, अतीत जानते हैं, वर्तमान आपके सम्मुख है। कृपा कर इस बालक का भविष्य बताएं। देवी उमा, इसका भविष्य बताना नहीं बनाना है, और वो भी तुम्हें बनाना है। मुझे भविष्य बनाने का सामर्थ्य मुझमें कहाँ है ऋषिवर? मैंने अभी अभी कहा ना, जिस साधु ने तुम्हें इस बालक के पालन पोषण का आदेश दिया था वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। वृषवर अवतार के रूप में उन्होंने केवल तुम्हें दर्शन ही नहीं दिए, सामर्थ्य भी दिए। तुम्हें उनकी कृपा प्राप्त है। तो मुझे क्या करना होगा ऋषिवर? शिव की कृपा प्राप्त इस बालक का भविष्य उजागर करना है। पर कैसे? सुनो उमा देवी, इसके पिता सत्यरथ पर शिव प्रकोप के कारण संकट आया और यह अनाथ हो गया, किंतु इस पर शिव की कृपा थी, इसलिए यह अनाथ होकर भी इसका पालन पोषण तो अवश्य हुआ है,
परंतु ये अपने राज्य और वैभव से अब तक वंचित है। उसकी प्राप्ति का उपाय बताए ऋषिवर। शिव प्रदोष पूजन के महत्व को जानकर उसे नियम पूर्वक पूर्ण करना होगा। इस बालक को अपने पिता के पाप का प्रायश्चित करना होगा। जय जय मृत्युंजय महादेव। महाराज, आप अपने शत्रु पुत्र की खोज करके थक गए थे, किंतु आपकी कृपा से मैंने उसे खोज लिया है। कहाँ है वो? उमा नाम की ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ साथ उसका भी पालन कर रही है। ब्राह्मणी का पुत्र सुचिव्रत और आपका शत्रु पुत्र धर्मगुप्त दोनों महर्षि शांडिल्य की आज्ञा अनुसार शिव प्रदोष व्रत की पूजा शिवालय में आरंभ करने जा रहे हैं। बस, धर्मगुप्त आज अंतिम बार आएगा शिवालय में। अपने पिता की भांति वो भी हमारे हाथों आज यमलोक पहुंचाएगा। शिवालय में शत्रु पुत्र के साथ उसका काल भी आएगा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ॐ नीलकण्ठाय स्वाहा, ॐ मृत्युञ्जयाय स्वाहा, ॐ महाबीजाय स्वाहा, ॐ रुद्राय स्वाहा। इन दोनों में मेरा शत्रु पुत्र कौन है? कैसे पहचानूं मैं उसे? ये कैसी दुविधा है? इस दुविधा को समाप्त करने के लिए मैं इन दोनों को ही समाप्त कर देता हूं। भगवान शिव की पूजा करने से तुम्हें लाभ ही लाभ हुआ है पुत्रों। वो दुष्ट शत्रु जो दोनों हाथों में तलवार लेकर तुम्हारा अहित करने आया था, शिव कृपा के कारण ही आज तुम्हारी उससे रक्षा हुई है। भगवान शिव की शरण में आने से वे सदा भक्त जनों की रक्षा करते हैं। हाँ माँ, हम दोनों भाई आजीवन शिव पूजा करेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम विश्वरूपाय स्वाहा, ओम उमापते स्वाहा, ओम त्रिजटाधराय स्वाहा, ओम महातेजसे स्वाहा, ओम सर्वभूतात्मने स्वाहा, ओम विश्वरूपाय स्वाहा, ओम स्वयं भूताय स्वाहा, ओम कालाग्नि रुद्राय स्वाहा, ओम त्र्यंबकेश्वराय स्वाहा, ओम काशी विश्वेश्वराय स्वाहा। इति संपूर्णम्। पुत्रों, आज तुम दोनों ने बहुत विलंब कर दिया। मैं कब से तुम्हारी बाट देख रही हूँ। प्रणाम माता। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करे। प्रिय धर्मगुप्त, महर्षि शांडिल्य के कहे गए वचन तुम्हें स्मरण है? हाँ माते, मेरे पिता महाराज सत्यरथ ने शिव प्रदोष पूजा का कार्य अधूरा छोड़कर अपने परिवार पर शिव कोप को आमंत्रित किया था।
माता पिता की आत्मा की शांति, पिता के पाप का प्रायश्चित तथा अपने राज्य और वैभव को पुनः प्राप्त करने के लिए मुझे नियमित रूप से शिव प्रदोष पूजा करनी होगी। शिव प्रदोष व्रत की विधि तुम दोनों को ज्ञात हो गई है? हाँ माँ, हम तीनों ये प्रण करते हैं कि शिव कोप से मुक्त होने के लिए अब हमारा परिवार आजीवन प्रदोष पूजा नियमित रूप से करेगा। और हम आजीवन इस धर्म व नियम को निभाएंगे माँ। भैया शुचिव्रत, माँ ने भिक्षा मांग मांग के हम दोनों का पालन पोषण किया है। हाँ भैया, उन्होंने हमारे लिए बहुत कष्ट उठाए हैं और उठा भी रही हैं, किंतु कब तक वो हमारे लिए संघर्ष करती रहेंगी भैया? अब हम युवा हो गए हैं, हमारे होते हुए वो कष्ट उठाएं, ये तो हमारे लिए लज्जा की बात है। तुम मेरे मन की बात कह रहे हो भैया धर्मगुप्त, इसलिए मैं यहां तुम्हें इस वन में लाया हूं। इस वन में क्यों भला? इसलिए कि कल संध्या को तुम्हारे जाने के बाद शिवालय में एक साधु बाबा आए और कहने लगे कि कल तुम दोनों का भाग्य खुलने वाला है। अर्थात आज यहां इस मृणाल वन में हम दोनों का भाग्य खुलने वाला है, पर कैसे? उन्होंने बताया कि मृणाल वन में सरोवर के पास एक पुराना वट वृक्ष है और उसी स्थान पर दिन की 5 घड़ी बीत जाने पर हम दोनों के साथ एक चमत्कार होगा। भैया, और आपने उन साधु बाबा की बात पर विश्वास कर लिया? करना ही पड़ा। अब तो मुझे और अधिक विश्वास हो गया है, क्योंकि उन्होंने बताया था कि तुम्हारा भाई तुम्हारी बात सुनकर तुम पर विश्वास नहीं करेगा और हंसेगा, परंतु जो सत्य है वो तो अटल है। वो देखो, एक चमत्कार तो हो गया। अब तुम इधर जाओ, मैं वटवृक्ष वाला चमत्कार देखकर आता हूं। वाह, कितने सुंदर फूल! वाह, ओह, क्या सुंदरता, क्या स्वास है! सखी अंशुमती, सुंदरता तो हम देख ही रहे हैं, किंतु सुवास का गाना में नहीं है। लो, स्वयं सूंघ के देख लो। तो तुम इन पुष्पों की चर्चा कर रही थी? तो और कौन है मेरे समीप जिसकी मैं चर्चा करूं? ध्यान से दृष्टि घुमाकर देखो तो दिखाई देगा कि बहुत कुछ है तुम्हारे समीप। बहुत कुछ क्या, सब कुछ है। अरे अरे, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं गंधर्वराज कोद्रविंद की पुत्री राजकुमारी अंशुमती हूँ। आप कहना चाहती हैं कि आपका नाम अंशुमती है, आपके पिता गंधर्वराज हैं, जिनका नाम कोद्रवीड है। अरे, आपका नाम क्या है, आपके पिता कौन है, इससे मुझे क्या लेना देना? मुझे क्या मतलब आपके या आपके पिता के नाम से? आप मरुस्थलिया पर्वतीय क्षेत्र से आए हैं क्या? नहीं तो? फिर इतनी कठोर और शुष्क बातें क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता देवी अंशुमाली। अंशुमाली नहीं, अंशुमती। आपको क्या हमारी सखी माली दिखाई देती है? मैंने कहा ना, मैं आपसे तर्क नहीं करना चाहता हूँ। पर हम करना चाहते हैं। दो दो बार आपको अंशुमती नाम बताया गया, फिर भी आपने इन्हें अंशुमाली क्यों कहा? उत्तर दें। मैं क्या आपके अधीन हूँ, आपके शासन या प्रभाव में हूँ जो उत्तर दूँ? मैं चला। तनिक सुनिए श्रीमान, मैं यहाँ अपने पिताश्री की आज्ञा से आई हूँ। तो मैंने कब आपसे प्रश्न किया कि आप यहाँ पे किसकी आज्ञा से आई हैं? आप सुनते कम और बोलते अधिक हैं। कौन मैं? मैं बोलता अधिक हूँ? आप क्यों अपने गुणों की गठरी मेरे सिर पर रख रही हैं? आगे सुनिए। कल पिताश्री को एक साधु महाराज ने दर्शन दिए और कहा था कि आज दिन के 5 घड़ी बीतने पर मृणाल वन के सरोवर के किनारे एक सुंदर नव युवक पीले वस्त्र धारण करके आएगा और वही क्या? वही के पश्चात यही होता है? हमारी सहेली का अभिप्राय वही है। वही फिर वही पीत वस्त्रधारी, सुनो, अंशुमती का कहना है कि यही है वो, अर्थात वही है यह। वही यही
ये क्या कर रही हैं आप? पिताश्री आ रहे हैं, वो आपको सब कुछ बता देंगे। मिल गया, वट वृक्ष मिल गया। यही है वो पुराना वट वृक्ष। अब देखता हूं कि साधु बाबा क्या चमत्कार दिखाते हैं। Thank you.